मैं हूं शैली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शैलीज वर्ल्ड। लंबे घने बाल किस लड़की को नहीं पसंद और लड़की है क्यों? आजकल लड़कों को भी तो बालों से कितना प्यार है, कितनी सारी हेयर कट बनाते हैं, कितनी सारी हेयर वो कलर यूज करते हैं और ना जाने क्या क्या फैशन वो करते हैं। तो फिर लड़का हो या लड़की, सबको तो बाल बहुत ज्यादा पसंद है, बट इस फैशन का बस स्टाइल का क्या जब बाल तेजी से झड़ने लगे और हमें लगता है कि हम थोड़ी ही दिन में गंजे होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि ऐसी हेयर फॉल होने की कुछ हैरान कर देने वाली कारण के बारे में और साथ ही इस हेयर फॉल को हम कैसे इजीली हम रोक सकते हैं उसके बारे में। तो फिर फटाफट वीडियो स्टार्ट करूंगी, बट वीडियो शुरू करने से पहले हर बार की तरह एक छोटा सा रिक्वेस्ट, वीडियो को आप एंड तक देखते रहो ताकि प्रॉपर जानकारी आपको मिलती रहे और साथ ही में वीडियो को पसंद आने पे लाइक करो, शेयर करो और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर कीजिए। तो फिर फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला पॉइंट, आफ्टर डिलीवरी महिलाओं की जो बाल है वो झड़ेगा ही, ये एक कॉमन सी प्रॉब्लम है। इसके पीछे बहुत सारे रीजन है, उसके ऊपर अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी, बट आज आप ये जान लो कि डिलीवरी के बाद जो है वो बाल झड़ना एक कॉमन सी बात है। नेक्स्ट पॉइंट है, आयरन की कमी की वजह से हीमोग्लोबिन भी शरीर में कम हो जाती है और इस वजह से बालों का झड़ना एक कॉमन सी बात है। और नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, विटामिन डी की कमी की वजह से, कैल्शियम की कमी की वजह से भी बाल झड़ते हैं। एक्चुअली बालों के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी है और विटामिन डी और कैल्शियम एक के ऊपर एक ना डिपेंड करता है, तो इस वजह से भी बाल झड़ता है। जैसे शरीर के लिए बहुत सारे न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, वैसे हमारे स्कल्प के लिए भी बहुत सारे न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। जैसे कि 10 साल से लेकर ये 18 साल की उम्र में ना हेयर ग्रोथ बहुत तेजी से होता है, बट अगर इस टाइम आपका बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रही है तो फिर आप ये एक कारण हो सकता है कि डाइट के थ्रू प्रॉपर न्यूट्रिशन उसको नहीं मिल रही है। तो फिर इस टाइम मतलब हमारे स्कल्प के लिए जैसे कि आयरन जरूरी होता है, विटामिन डी जरूरी होता है, कैल्शियम जरूरी होता है, वैसे भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जिसको हम बायोटिन बोलते हैं, विटामिन ई जरूरी होता है, विटामिन सी जरूरी होता है, बहुत सारे मिनरल्स जरूरी होता है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, सबकी जरूरत होती है। तो आपके खाने में इन सबकी कमियां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो ये आयरन डिफिशियंसी क्यों होता है और कैसे हम इसको दूर कर सकते हैं, आयरन रिच वाला जो फूड है, विटामिन डी की कमियां को कैसे दूर कर सकते हैं, कैल्शियम की कमी को कैसे दूर कर सकते हैं, विटामिन सी किस में है और साथ ही में प्रोटीन रिच वाला जो फूड है, यहाँ तक प्रोटीन रिच वाला जो फ्रूट्स है, सबके ऊपर मेरा डिटेल में वीडियो है, आप जाकर वो वाला वीडियो चेक करो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ताकि आपको खाने में न्यूट्रिशन में कुछ कमियां ना हो। अच्छा, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। स्ट्रेस की वजह से आजकल वर्कलोड बहुत ज्यादा होती है, इसलिए स्ट्रेस की वजह से प्रॉपर नींद नहीं आती है, इसकी वजह से भी बाल हेयर फॉल होना एक कॉमन सी बात है। जेनेटिकली भी हो सकता है, मतलब आपकी फैमिली में आपकी मम्मी की साइड हो या फिर आपके पापा के साइड हो, किसी का भी अगर कम उम्र में बालों का बहुत ज़्यादा तेजी से झड़ना या फिर गंजेपन होना ऐसा है तो फिर आपको भी ये प्रॉब्लम आगे चलकर हो सकती है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपको किसी बीमारी हो, जैसे कि आपको बचपन में मलेरिया हो या फिर टाइफाइड हुआ हो, आपकी हार्मोनल कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे कि थायराइड की वजह से बहुत ज़्यादा तेज़ी से बाल झड़ता है या फिर आप बहुत हाई डोज की मेडिसिन ले रहे हो, इस वजह से भी बाल झड़ सकता है, और आपका अगर लीवर से जुड़ी कोई प्रॉब्लम हो, पेट से जुड़ी कोई प्रॉब्लम हो, इस वजह से भी बहुत तेज़ी से बाल झड़ना एक कॉमन सी बात है। बाल जब तेज़ी से झड़ते हैं तो फिर हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और ना जाने क्या क्या शैम्पू यूज़ करते हैं और इससे मतलब बाल पर ठीक से नहीं होता है झड़ना, ऊपर से क्या होता है और भी ज़्यादा खराब हो जाता है और ज़्यादा तेज़ी से झड़ता है क्योंकि इसमें हानिकारक केमिकल होते हैं। तो फिर ये जो केमिकल है ये बहुत खराब होता है हेयर के लिए। अच्छा, हम लोग बहुत सारे हेयर कलर यूज़ करते हैं, अगेन उस कलर में भी बहुत सारे केमिकल होते हैं जो बालों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है और वो बालों को झड़ना और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। ना जाने बालों के साथ क्या क्या कर लेते हैं, कभी स्ट्रेट करते हैं, कभी कर्ल कर लेते हैं, कभी कलर कर लेते हैं। तो फिर ये जो हम स्ट्रेटनर यूज़ करते हैं, ये जो हम ड्रायर यूज़ करते हैं, ड्रायर से सुखाते हैं, इससे क्या होता है बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होता है और जो बालों की जो मॉइस्चर है उसको क्या कहते हैं खींच के वो बाहर निकल देता है। और इसलिए आप ये सब ज़्यादा यूज़ करोगे तो बाल तो झड़ेगा ही झड़ेगा, ऊपर से ये जो बाल है ना वो नीचे के पार्ट से ना थोड़े से झाड़ू के टाइप दिखने लगेगा। तो फिर ये सब जो है ये बालों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। अब शैम्पू की बारी आई तो बहुत लोग क्या करते हैं, स्कर्ट को ना ऐसे घिस घिस के ऐसे साफ करते हैं, तो फिर इस वजह से बाल बहुत तेजी से झड़ना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट है, अगर गीली बालों को आप कॉम्ब करोगे तो फिर या फिर गीली बालों का बहुत तेजी से आप रगड़ रगड़ के ऐसे पोछोगे ना टॉवल से, तो फिर बालों की जड़ इस टाइम बहुत नरम होती है और बाल का जो मतलब हेयर फॉल जो है वो बहुत तेजी से बढ़ ही जाएगा।
अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे हम शरीर के लिए, हमें शरीर को हाइड्रेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसे ही स्कल्प के लिए हमें चाहिए होता है बहुत सारा पानी। तो अगर स्कल्प अगर ड्राई हो जाएगा ना, तो इस वजह से हेयर फॉल होना एक कॉमन सी बात है। डैंड्रफ की वजह से कभी कभी स्कल्प में ना फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, और इस वजह से भी बाल झड़ना एक कॉमन सी बात है। ज़्यादा स्वेट करोगे आप तो फिर क्या होगा कि बालों के बीच में ना वो जो स्वेटिंग के थ्रू जो नमक है वो बालों के बीच फंस जाएगा, और इसलिए हेयर को थोड़ा सा वो चिपचिपा सा बना देगा, और बालों की जो जड़ है उसको नरम कर देगा, और इसलिए बाल बहुत तेजी से झड़ना भी स्टार्ट हो जाए। तो ये सब तो रहा बाल क्यों तेजी से झड़ता है। अब बात करते हैं कि बालों का ये जो हेयर फॉल, ये हम कैसे रोक सकते हैं इजीली। तो सबसे पहला है कि बालों में अच्छे से हेयर ऑयल लगाओ। जैसे कि मैं यूज करती हूँ कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल, तो आप वो यूज कर सकते हो, या तो फिर किसी भी हर्बल कोकोनट ऑयल हो, या फिर आप आमंड ऑयल हो, ऑलिव ऑयल हो, कस्टर्ड ऑयल हो, जो भी हो, थोड़ा सा केमिकल फ्री वाला जो ऑयल आता है आप वो अप्लाई करो। अगर आप ऑयल ही अप्लाई कर रहे हो तो थोड़ा सा उसको गर्म करके ना ऑयल, हॉट ऑयल जो मैसेज होता है वो आप करो, और नेक्स्ट डे आप रात को लगाओ और नेक्स्ट डे उसको शैम्पू कर लो। हाँ, अगर आपको बिल्कुल भी ऑयल लगाना पसंद नहीं है तो फिर आप एक काम कर सकते हो कि आप जब शैम्पू करोगे उससे आप आधे घंटे या एक घंटे पहले वो ऑयल से थोड़ा सा मसाज करो, फिर आप उसको शैम्पू से धो लो। इससे क्या होगा कि बालों के मॉइस्चर लॉक हो जाएगी। अगर आप शैम्पू यूज़ करोगे तो शैम्पू के मामले में भी मैं बोलना चाहूँगी कि आप एक हर्बल शैम्पू यूज़ करो, ताकि जिसमें मतलब केमिकल फ्री हो, मतलब हर्बल शैम्पू आप यूज़ कर सकते हो। अच्छा, आप हेयर पैक यूज़ कर सकते हो, जैसे कि हर्बल वाला जो हीना पाउडर आता है उसमें आप एक डाल सकते हो, उसमें कर्ड या फिर नींबू डाल सकते हो, आप इसमें थोड़ी सी कोकोनट ऑयल डाल सकते हो, और उसको आप वीकली एक बार आप अप्लाई कर सकते हो। आप अगर वेजिटेरियन हो तो फिर आप एक को स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, आप जैसे कंघी करते हो, गीली बालों में बिल्कुल आप कंघी नहीं करोगे, बाल को सुखा के फिर आप कंघी करोगे, और कंघी आप अगर हो सके तो फिर वो वुडन वाला जो कोम्ब आता है ना, तो फिर वो आप यूज़ करो, ये तो बेटर होगा, उससे हेयर फॉल थोड़ा सा कम हो जाता है। अच्छा, आप अगर बालों को सुखा रहे हो तो फिर प्लीज़ आप ड्रायर से बिल्कुल मत सुखाइए। आप चाहो तो आप धूप में जगह सुखा सकते हो, फैन में सुखा सकते हो। धूप के अगर धूप में सुखाओगे ना तो फिर आपको एक तो विटामिन डी भी शरीर में मिल जाएगी और बाल भी सूख जाएगा। अच्छा, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। आप खाने पीने का ध्यान बहुत अच्छे से रखो। मैंने पहले भी बताया है, आयरन रिच वाला जो फूड है, विटामिन डी, विटामिन सी, कैल्शियम, प्रोटीन वाला जो फूड है, प्रोटीन वाला जो फ्रूट्स है, सबके ऊपर मेरा वीडियो है, आप वो वाला वीडियो एक बार चेक कर लो, क्योंकि आपको पता चलेगा कि कौन सी वाली फूड में क्या है और कैसे हम इन सब की कमियों को दूर कर सकते हैं। तो फिर प्लीज़ वो वाला वीडियो आप एक बार चेक कर लो। तो खाने के थ्रू आपको बिल्कुल भी मतलब कमी नहीं होनी चाहिए। मतलब आप नॉनवेज खाते हो तो फिर आप डेली खाने में एक को शामिल कर सकते हो। अगर आप एक नहीं खाते हो तो फिर बहुत सारे जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स जो होते हैं, कलरफुल वाले जो फ्रूट्स है, आप वो सब खाओ, ताकि आपको खाने में न्यूट्रिशन की कोई कमी ना हो। और साथ ही में आप अगर चाहो तो वो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऑनियन का जो हेयर ऑयल आता है ना आजकल, तो मार्केट में बहुत सारे ऑनियन हेयर ऑयल आता है, वो यूज़ कर सकते हो, या तो फिर आप छोटे छोटे जो ऑनियन आते हैं ना, तो उसको घिस के ना उसका रस निकाल के आप स्कल्प में लगा सकते हो। पानी की कमी शरीर में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इसलिए दिन में 8 से 10 ग्लास पानी तो पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो फिर डेली आप 8 से 10 ग्लास पानी ज़रूर पीजिए, शरीर को बिल्कुल भी आप डिहाइड्रेट मत होने दीजिए। और अगर आपको बालों में, अगर आपको स्कैल्प में अगर फंगल इन्फेक्शन होता है, तो प्लीज आप एक बार डॉक्टर से जरूर पूछ लीजिए। ये सब करने के बाद फिर भी आपका हेयर फॉल नहीं रुक रहा है, तो प्लीज एक बार डॉक्टर से भी जरूर पूछ लीजिए। बाल एक एज के बाद तो जरूर गिरेगा, जैसे कि अप टू 40 या 45 के बाद बाल झड़ता ही है, ये एक नॉर्मल बात है। बट आपको ट्राई यही करना है कि 40 से पहले ही आप बालों का इतना बालों का ख्याल रखो, बालों को इतना हेल्दी बनाओ, ताकि जब ये बाल झड़ने के टाइम आता है वो बहुत तेज़ी से ना झड़े, थोड़ा बहुत तो झड़ेगा ही। तो फिर चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का जरूर हिट करो। तो फिर आज के लिए बाय बाय।